हेलो एवरीवन, अभी तक हमने जुरिस्प्रूडेंस में इंट्रोडक्शन पढ़ा, लास्ट वीडियो में हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं मेन कॉन्सेप्ट। मेन कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जुरिस्प्रूडेंस के स्कूल्स के बारे में। देखो, 21st सेंचुरी तक तो हम इसे एज अ साइंस डील कर रहे थे, देन आफ्टर फिर फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट आने लग गया। तो हम जो स्कूल्स को पढ़ेंगे वो चार कैटेगरी के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहला आएगा फिलोसफिकल, सेकेंड आएगा पॉजिटिव जिसे एनालिटिकल स्कूल बोलते हैं, थर्ड इज हिस्टोरिकल एंड द फोर्थ वन इज सोशोलॉजिकल स्कूल। ठीक है, सबसे पहले आता है फिलोसफिकल स्कूल। फिलोसफिकल स्कूल क्या है, वो बात करता है एक थोड़ा हाइपोथेटिकल बेस्ड पे। वो जो बात करता है वो एम्पेरिकल मेथड की बात नहीं करता। एम्पेरिकल मेथड मतलब क्या सही है क्या गलत, वो जबकि बात करता है मेटाफिजिकल की। जो मेटाफिजिक्स है, मेटाफिजिक्स का मतलब क्या होता है कि एक डीप में एक फिलोसफिकल बात करना। एक सिंपल सी बात है, जैसे आपसे पूछा जाए कोई क्वेश्चन का आंसर हो येस और नो, तो वो एम्पेरिकल हो गया, वो नहीं देखता। वो देखता है एक्चुअली उसके पीछे पूरा रीजन जो ढूंढना, पूरी फिलोसफिकल पूरा डीप में जाना, वो बात करता है फिलोसफिकल स्कूल। इसीलिए ही फिलोसफिकल स्कूल को जो हम क्या बोलते हैं कि ये डिस्क्राइब किया जाता है एज अ एथिक्स, और एथिक्स की तरह नेचुरल की तरह और मेटाफिजिकल जुरिस्प्रूडेंस बोला जाता है। हम बस अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर हम जब वन बाय वन इनके स्कूल सीखेंगे तब हम इनके एक एक ऑथर्स को समझेंगे। ये हो गया फिलोसफिकल स्कूल, इसका मतलब आपको याद रखना है, यही पूछ लेते हैं मेटाफिजिकल की बात कौन करता है, तो ये करता है फिलोसफिकल स्कूल। और मेनली जो इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था वो रोमन्स का रहा था, ग्रीक्स का रहा था और इंडियंस का भी रहा था। नेक्स्ट आता है अब हमारा पॉजिटिव एनालिटिकल। पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव को ही एनालिटिकल स्कूल बोलते हैं, जिसमें हम जॉन ऑस्टिन, बेंथम और इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो बात करता है, जो ये हमारा एनालिटिकल है, इसके अंदर मेनली क्या था, इसके अंदर ये हुआ था कि ये कन्फाइन करता था एक एनालिसिस को, लीगल कॉन्सेप्ट को। ये जस्ट एक एंटीथेसिस था, अपोजिट था। किसके अपोजिट था, ये एथिकल के भी अपोजिट था, हिस्टोरिकल के भी अपोजिट था। तो ये कह रहा था हमें कोई लेना देना नहीं है हिस्ट्री हमारी क्या थी, हिस्ट्री में पहले क्या आया था, कैसे सही हुआ था, हमें मेनली देखना है प्रेजेंट लॉ। तो आपको एनालिटिकल से याद रखना है व्हाट लॉ इज, कि एक्चुअली लॉ क्या है। तो क्या है एक्चुअली लॉ, वो ये बात करता है एनालिटिकल स्कूल। ये कहता है कि हमें क्या देखना है, सबसे पहला अटेम्प्ट था कि हमें लॉ को एक लॉजिकल मैनर के अंदर देखना है, एक साइंटिफिक मैनर के अंदर देखना है। ठीक है, तो इनके अंदर जो मेनली आया था कि इन्होंने बात करी थी कमांड की, कि कोई एक सुपीरियर अथॉरिटी होती है, वो कमांड देती है तभी उस चीज़ को क्या किया जाता है, पास किया जाता है। वही लॉ माने जाते हैं जिसके पीछे कमांड होता है, एक सैंक्शन होता है। तो ये बात कर रहा है कौन, हमारा एनालिटिकल स्कूल। तो एनालिटिकल स्कूल समझ आ गया कि व्हाट लॉ इज, हमें नहीं लेना देना पीछे रीजन में क्या था या क्या नहीं था। देन आता है हमारा थर्ड स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल। देखो, हिस्टोरिकल स्कूल क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि हमें थोड़ा सा पीछे जाकर देखना होगा कि लॉ की क्या हिस्ट्री रही है। तो हिस्टोरिकल स्कूल एक मेथड था कि जिसमें अटेम्प्ट करा गया था कि हम एक फंडामेंटल, एक बेसिक लीगल कॉन्सेप्ट को देखेंगे। इसके अंदर जो फाउंडर थे मेनली हिस्टोरिकल स्कूल के, वो सेविग्नी थे। इनके ऑथर्स के बारे में पढ़ेंगे, सेविग्नी, हेनरीमैन, ये इनके फाउंडर्स थे। तो इनका कहना था जो हिस्टोरिकल लॉ है, जो यहाँ पे हम हिस्टोरिकल लॉ है, वो लीगल हिस्ट्री से अलग है। तो आप इसे लीगल हिस्ट्री से मिक्स मत करना, क्योंकि लीगल हिस्ट्री क्या, जब हम पढ़ते हैं वो एक डिस्क्रिप्टिव है कि ये ऐसा हुआ। पर हिस्टोरिकल जो स्कूल है वो ये बताता है कि ये चेंज आया तो कैसे आया, इसका ये कौन से फोर्सेस की वजह से आया, इसका कैसा इफेक्ट हुआ। तो जब हम एक तरीके से इसको क्या पढ़ रहे हैं, एक तरीके से डीप में जाके कि जो चेंजेस आए, कैसे आए, कौन सी फोर्सेस लेकर आई, वो डील करता है हिस्टोरिकल। पर अगर हम बात करें लीगल हिस्ट्री की, लीगल हिस्ट्री एक डिस्क्रिप्टिव है कि हमें बता दिए कि ये चीज़ ऐसे ऐसे हुई थी, उसके पीछे कोई रीज़न नहीं, कोई मतलब क्या फोर्सेस तो ऐसा जिसके अंदर नहीं दिया होता। तो मेनली ये देखती है कि लॉ का डेवलपमेंट कैसे हुआ और वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है, क्या क्या चीज़ें लेकर आता है। तो ये बात करता है हमारा हिस्टोरिकल स्कूल की। ठीक है, देन आता है हमारा सोशोलॉजिकल। तो सोशोलॉजिकल स्कूल की बात करते हैं। सोशोलॉजिकल स्कूल क्या कहता है, सोशोलॉजिकल स्कूल ये कहता है कि हम जो ये लॉ है, एक वो इंस्ट्रूमेंट है, लॉ एक सोशल इंस्ट्रूमेंट है जो सोसाइटी में सोशल कंट्रोल लेकर आता है। तो इसने कहा कि जो लॉ है एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका काम है सोशल कंट्रोल करना। इसने तीन मेन बातें कही हैं सोशोलॉजिकल स्कूल में। सबसे पहली कि लॉ का काम है, मींस पर्पस ऑफ लॉ क्या है, कि जस्टिस को एंड करना।
तो सबसे पहले इसने इसी पे इंसिस्ट करा कि लॉ का जो पर्पस है हम उसको देखेंगे, हम नहीं देखेंगे हिस्ट्री क्या रही क्या रही, लॉ का मेन हम पर्पस देखेंगे। सेकंड, इसने बहुत कंसेप्शुलाइज जो पॉलिटिकल वेज थे उन सबको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया कि हम लीगल थ्योरी के अंदर नहीं जाएंगे। थर्ड जो इसने कहा है, इसने मेन कंसंट्रेट करा है कि लॉ एक इंस्ट्रूमेंट की तरह एक्ट कर सकता है कि अगर हमें सोशल कंट्रोल हारमनी लानी हो। उसने तीन मेन बातें क्या बोली हैं कि जो पर्पस है लॉ का कि क्या है एंड, उसके ऊपर इसने इंसिस्ट करा। सेकंड, इसने कहा हम नहीं देखेंगे लीगल हिस्ट्री के बारे में कि क्या लीगल हिस्ट्री रही, क्या जो पीछे बैकग्राउंड रहा। थर्ड, सोशियोलॉजिकल स्कूल ने मेनली ये कहा कि लॉ एक इंस्ट्रूमेंट की तरह एक्ट करता है हारमनी बनाए रखने में और सोसाइटी को कंट्रोल करने में। तो ये हमने पढ़ा आज सोशियोलॉजिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल एंड फिलोसोफिकल स्कूल। अब हम वन बाय वन इनके और अदर स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।